Hello, dear student. Today I will discuss measuring time. Many of the things we do every day are done at a particular time. जो भी तुम करते हो एक particular time में, your school start at a particular time and gets over at a particular time. Each class is of a fixed duration. Your favorite TV programs start at fixed time and so on. The point is, how do we know what time it is, or how do we measure time? जितने भी तुम काम कर रहे हो वो एक पार्टिकुलर टाइम में, मोस्टली तुम स्कूल जा रहे हो एक पार्टिकुलर टाइम में, छुट्टी हो रही है एक पार्टिकुलर टाइम में, एक फिक्स्ड टाइम है इसके लिए. तुम्हारा टीवी प्रोग्राम है वो भी एक फिक्स टाइम पे है. तो कैसे, हाउ वी नो व्हाट टाइम इट इज, कितने बजे कौन सा प्रोग्राम या कब स्कूल जाना है, ये कैसे हम लोग मेजर करते हैं. तो हाउ डू वी मेजर टाइम. इन ओल्डन टाइम पीपुल यूज नेचुरल इवेंट विच ऑकर एट रेगुलर इंटरवल्स टू मेजर टाइम. पहले तो घर ही नहीं थी तो लोग क्या करते थे, नेचुरल कुछ फेनोमेना है या नेचुरल इवेंट है, कोई कारण है जिससे वो समय का पता लगाते थे. For example, the time interval between one sunrise and the next was a unit of time, the day. The interval between one new moon and the next was considered to be 1 month. हम लोग डे जान गए कि सनराइज और दूसरे सनराइज कब होगा, तो ये हो गया डे. इंटरवल बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट न्यू मून, ये कंसीडर किया 1 month का. द साइकिल ऑफ सीजन कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन gave a longer unit of time, the year. Revolution of the earth shows the year. The Babylonians were perhaps the first to come up with the smaller unit of time. They divided a day into 24 hours and an hour into minutes. Pendulum clock. What instrument did people use to measure time in the olden day? That is a long story which we will not discuss here. Instead, we will discuss the pendulum clock, which came into being after an observation made by the Italian astronomer Galileo, who lived from 1564 to 1642, discovered that a swing pendulum takes a fixed time to complete one to and fro motion is called oscillation.
जब स्विंग कर रहा हो तो एक वो जहाँ से चला वहाँ फिर आने में जो उसको समय लगा, इस समय को टू एंड फ्रो मोशन जब किया, जहाँ से चला फिर वहीं जगह उसी जगह आ गया, इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ए पेंडुलम इज जस्ट ए वेट हंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली। गैलीलियो वॉज वॉचिंग ए लैम्प स्विंग इन ए चर्च एंड ही टाइम्ड द स्विंग विद द हेल्प ऑफ हिज ऑन पल्स। हिज डिस्कवरी वॉज यूज बाई द डच साइंटिस्ट क्रिस्टिन हेजिन्स टू मेक द पेंडुलम क्लॉक। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द क्लॉक पेंडुलम टेक्स 1 second। यू विल कन्फर्म द सेम बाय डूइंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम बाय सेटिंग अप ए सिंपल वन फॉर योर सेल्फ। हैंग ए पेडलॉक और एनी सुटेबल वेट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ ए एज ऑफ ए टेबल। प्लेसिंग ए कपल ऑफ बुक्स ऑन द स्ट्रिंग पुल द पैडलॉक ए लिटिल टू वन साइड एंड लेट गो। वन एसोलेशन ऑफ पेंडुलम इज इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी एंड टू सी एंड बैक टू ए। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू टाइम वन ऑसिलेशन। हाउएवर यू कुड टाइम 10 to 20 ऑसिलेशन एंड डिवाइड दिस टाइम बाई द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यू विल सी दैट द पेंडुलम ऑलवेज टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसमें क्या करना है कि एक धागे से किसी ऑब्जेक्ट को जो थोड़ा वेट हो उसमें उसको बांध दो और उसको मान लो तुम ए पॉइंट पे तुमने एक धागे से तुमने एक धागा बनाया और उसमें एक वेटेड जो थिंग्स है उसको तुम बांध दो। अब ए को तुम बी तरफ उसमें थोड़ा सा पुश करो तो देखोगे कि ए से बी, फिर बी से ए और फिर बी से सी। ये तुम्हारा फिगर में दिया हुआ है। तो ये आने ए तक आने में यानी ए से बी, बी से सी और सी से फिर ए में पॉइंट पे आ रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। तो इस पूरे ऑसिलेशन को देखोगे कि तुम 10 to 20 टाइम्स ये आया और गया तब जाके ये स्थिर हो रहा है। तो यू को टाइम 10 to 20 ऑसिलेशन जितनी बार आया गया तो मान लो 10 to 20 टाइम
टू एंड फ्रो इसका मोशन हो गया. एंड डिवाइड दिस टाइम बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यू विल सी दैट द पेंडुलम ऑलवेज टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. जब इसको हम देखेंगे कि ये हर बार एक ही टाइम ये ऑसिलेशन का ले रहा है, यानी टू एंड फ्रो हो रहा है. देन अदर क्लॉक, आफ्टर द पेंडुलम क्लॉक केम टेबल क्लॉक एंड रिस्ट वॉचेज, इन विच द पेंडुलम वॉज रिप्लेस्ड बाय द बैलेंस व्हील. इन सच क्लॉक एंड वॉचेज विच हैव टू बी उन्ड मैकेनिकली, ए फाइन स्प्रिंग कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ए बैलेंस व्हील इन मॉडर्न क्लॉक्स एंड वॉचेज द वाइब्रेशन ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्ट्ज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बैलेंस व्हील. सच क्लॉक्स एंड वॉचेज डू नॉट हैव टू द मैकेनिकली एंड आर मोर एक्यूरेट. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड. तो तुम एक पेंडुलम बनाओ, पेंडुलम घर में बना के देखो, तुम्हारे यहाँ वो कुछ गोले आकार का, या थोड़ा सा अभी मान लो एक हल्का सा आटा ले लो, आटा को गोल कर लो, और गोल करने के बाद उसमें एक कील लगा दो, छोटा सा कील, और वो एक धागे से बांध दो. जब वो सूख जाए तो तुम्हारा पेंडुलम तैयार हो गया, है ना. और पेंडुलम को कहीं पे तुम फ्रीली उसको हैंग कर दो, लटका दो, और जब वो हैंग कर दोगे फिर तुम उसमें थोड़ा सा पुश करो. तो पुश जिस दिशा में करोगे तुम उसी दिशा में वो जाएगा, और फिर लौट कर उसी दूसरे दिशा में वो चला जाएगा. तो ये आना और जाना, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम जो हुआ, ये कहलाया तुमको ऑसिलेशन. ठीक है. अब कल हम लोगों का ये है डाउट क्लास, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट तुम उसको लिख के रखोगे एंड यू आस्क मी फ्रॉम दिस चैप्टर. और कल हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि कैसे एक स्ट्रेट लाइन का तो हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन कर्व लाइन का कैसे करेंगे ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू.